तुम लोग ऐसे लोगों को एडमिट क्यों करते हो जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते हैं? ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम लोग यहाँ किसी को भी एडमिट कर लेते हो। लाओ पेन दो। देखो मैक्सिमम हम यहाँ जो कर सकते हैं वो है कि बैठ दे सकते हैं, वो भी इमरजेंसी में। दैट्स इट, लास्ट थोड़ी कर सकते हैं। तुम मुझे ये बताओ कौन है जो पैसे नहीं कमाना चाहता? पीपल थिंक्स वी डोंट नीड मनी। अरे डॉक्टर क्या करेंगे, कोई प्रोफेशन हम लोग क्यों अपनाते हैं? पैसे कमाने के लिए ना, हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, और रिकवरी हाउ डू यू डू दैट? सर आपसे बेहतर सर्जन पूरे देश में नहीं है। लोग इतने रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो कभी कभी मजबूर होकर रोक लेती हूँ उन्हें कि आप देखकर कंसीडर करें। जब मैंने एक नियम बनाया हुआ है बगैर पैसों के इलाज नहीं होगा, सो व्हाई डू यू डू इट? हेलो, यस ऑफ कोर्स, आप पहुंचे तो मैं पहुंचता हूँ। आई एम ऑन माय वे, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो बता। कंडीशन बहुत खराब है डॉक्टर, हमें फॉरन एक्शन लेना होगा। क्या वो बाइक का एक्सीडेंट है? इज लकी टू बी अलाइव। हाँ लेकिन फैमिली कहाँ है इनकी? अगर पैसे डिपॉजिट नहीं हुए तो फाइल नहीं बनेगी और सब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लिसन डॉक्टर कितने, यू हैव टू ट्राई, इज डाइंग। हम किसी के लिए ये रूल्स चेंज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? ऐसा करो उसे किसी सरकारी अस्पताल भेजो। अरे नहीं नहीं, उसे यहाँ लेके कौन आया? एम्बुलेंस से किसने उतारा उसको? सर एक्सीडेंट यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हुआ है, लोग नियरेस्ट हॉस्पिटल को ही अप्रोच करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हॉस्पिटल प्राइवेट है या गवर्नमेंट, वो तो हॉस्पिटल को ऐसी जगह मानते हैं जहाँ मरते हुए की जान बचाई जा सके। सर बहुत ही अच्छी जगह बचा रहे हैं। ओह रियली, दैट्स ग्रेट, फिर तो हमें वेट करना चाहिए, शायद उसके घर वाले उसको ढूंढते हुए यहाँ चला जाए। सर उसको रोड से उठा के लाए, बहुत जख्मी है, उसका फोन टूट चुका है, उसकी स्क्रीन टूट चुकी है, समझ नहीं आ रहा उसकी फैमिली कैसे कॉन्टेक्ट करे, बट आई एम श्योर उसकी फैमिली उसको ढूंढते हुए जरूर आएगी। कोई तो आईडी होगी, कौन लेके आया उसने, कोई दोस्त होगा उसके साथ? नहीं सर उसके साथ कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके पास वॉलेट भी नहीं मिला तो उसकी आईडी चेक कर सके। यार तुम्हें तो पता ही है ये अपने रोग जैसे कैसे जाते हैं, हम क्या करेंगे, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ऐसा करो उसे किसी करीब सरकारी अस्पताल में जाओ, या फिर अपनी एम्बुलेंस भी साफ कर दो, और क्या चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है अब मेरा निकलने का वक्त हो गया है, मैं निकलता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर अगर उसके घर वाले आ जाते हैं और मेरा ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं तो मुझे कॉल कर देना, मैं आके ओपरेट कर दूंगा। ओके चलो ठीक है। सर वो लड़के के इलाज के पैसों का इंतजाम हो गया। रियली? घर वाले आ गए उसके? नो सर, जो लोग उसे उठाकर लाए थे पैसों का इंतजाम भी उन्होंने किया है। उन लोगों ने एक लाख रुपए दिए? कमाल है, इस जमाने में कैसे लोग हैं? जी सर, उनमें से एक आदमी ने कहा मेरा बेटा भी इसी उम्र का है, मैं इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसके ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। ओके ओके नो इश्यू, तो बाकी क्या करो मैं पता नहीं करवा रहा। थैंक यू सर, जल्दी आइए प्लीज। क्या हुआ भाई? सॉरी यार एक इमरजेंसी है, निकलना पड़ेगा। इमरजेंसी केस यानी डबल इनकम। अरे चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। तू चेंज कर, बाय। गॉड यू काइंड टू मी।
ओके लेट्स गो। देर हो गया, आई एम सो सॉरी। जी सर, आपने वाकई बड़ी देर कर दी। बड़ा प्यारा बच्चा था, पता नहीं इसकी मां को। ओह, ये इसी का बाल बच्चा? ओह कमो यार, तुम इतने इमोशनल क्यों हो? तुम एक डॉक्टर हो, रोज न जाने कितने लोग ऐसे मारे जाते हैं, डॉक्टर होके तुम्हें शोभा नहीं देता। He's my only son. You see? He's my only son. Emergency. Please. Please, let me check, sir.